वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नबील यूसफ और आप देख रहे हैं कमर डिज़ाइनर। जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का ये फिफ्थ लेक्चर अरेज़ के ऊपर, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर। अरेज़ हम नई फाइल बना लेते हैं अरेज़ के नाम से, अरे डॉट जे एस। अरे क्या है? अरे जावास्क्रिप्ट में एक डाटा स्ट्रक्चर है डैट इज़ यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। लाइक जस्ट हमने प्रीवियसली देखा कि हमने कोई वेरिएबल को जब स्टोर करवाना होता है तो हम उसको वेरिएबल बनाते हैं और उसकी वैल्यू को स्टोर करवा देते हैं और वो एक वैल्यू होती हैं। लेट्स से अगर हमने ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम अरे का यूज़ करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमने कोई फ्रूट्स की वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो सबसे पहले तो मैं एक फ्रूट लिखूँगा ना, तो उसका लिखूँगा मैंगो। देन कंट्रोल सी वी फ्रूट, इसके लिए मुझे फ्रूट वन लिखना पड़ेगा। देन लिखूँगा एप्पल, ओके। और इसी तरह फ्रूट टू, फ्रूट थ्री, और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि मैं जस्ट एक ही वेरिएबल्स के नाम से उनका नाम रखूँगा फ्रूट्स। एक ही वेरिएबल से मैं जो है ना ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकूँ। लिस्ट है मेरे पास और वो मैंने लिस्ट जस्ट एक वेरिएबल में ही स्टोर करवानी है। तो ये है अरे, ये हमने अरे को इनिशियलाइज करवा दिया है। ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है, तो ये अब आपके पास ये जो फ्रूट है वो अरे है, ठीक है। अरे में आप जो है हार्ड कोडेड वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। हार्ड कोडेड मीन्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस तरह। कीवी, बनाना कंट्रोल एस, ये मैंने हार्ड कोडेड वैल्यूज लिखी। और इसके अलावा आप अगर डायनामिकली कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं इसमें अरे में, तो आप ऐसे करेंगे, आपने लिखना है फ्रूट्स डॉट पुश। ये मेथड हमें अरे देती है और इस मेथड में हमने अब जो भी चीज़ पुश करेंगे, सट और बेरी कंट्रोल एस, तो वो जो है इसके लास्ट पे जो है ना, अरे के लास्ट पे वो स्टोर हो जाएगी। मैं आपको इसको लॉक करके भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा। वैसे ही फ्रूट्स कंट्रोल एस और अगेन एक दफ़ा अपडेट होने के बाद कंट्रोल एस किया हमने नोट। और इस केस में अब हमारे लिए फाइल है अरे, ये देख सकते हैं आप। फर्स्ट पे जो अरे थी वो फोर एलिमेंट्स के साथ ही, अब लास्ट में हमने जो है पुश का मेथड कॉल किया और वो जो है इसमें ऐड हो गई। इसको कहते हैं पुश एड्स एलिमेंट एट द लास्ट ऑफ एरे, ओके। चलें अब मान लें कि हमें अब ये नहीं चाहिए, या हम अब डायनामिकली एरे से कोई चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास है पॉप का फंक्शन pop। पॉप जो है रिमूव कर देता है, रिमूव्स एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट ऑफ एरे, ओके, फ्रॉम द लास्ट और फ्रॉम द एंड ऑफ एरे। तो जो हमने स्टॉप रीऐड किया था अब हम उसको करने लगे हैं रिमूव। अब हम अगेन यहाँ पे हमने लिखना है पॉप का मेथड पॉप। नाउ अब हम करेंगे नोड अरे, और ये देख सकते हैं इवन के हमने ऐड की थी पर हमने अगेन रिमूव कर दी, तो अब हमारे पास अरे वैसे की वैसी ही आ गई है। चलें नेक्स्ट, अब अगर हमने जो है फर्स्ट से एलिमेंट को करना है रिमूव, तो उसके लिए हमारे पास है शिफ्ट। हम क्या करेंगे, फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, शिफ्ट को हम कर देंगे कॉल। और अब हमारा जो है ना अगेन हम इसको करवा लेते हैं प्रिंट। अरे को जो है ना प्रिंट करवाने के लिए फॉर लूप भी यूज़ होती है ईच एलिमेंट को। ये अब जस्ट इसके बाद हम वो कंसेप्ट देखेंगे। कंट्रोल एस और अगेन नोड एरे, ये देखिए अब
फर्स्ट में से ये एलिमेंट को रिमूव कर दिया। और यही अगर हम अगर फर्स्ट में अब कोई एलिमेंट ऐड करना है, मैं ये कमेंट में भी लिख दूँ शिफ्ट रिमूव्स रिमूव्स फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एरे। और अगर फर्स्ट में हमने किसी एलिमेंट को ऐड करना है, ये डायनेमिकली ऐड करने का तरीका है, पुश पॉप, पॉप से रिमूव होगा, इसके बाद जो है शिफ्ट, और अब हम देखने लगे हैं अनशिफ्ट। अनशिफ्ट से जो है हम फर्स्ट पे कोई एलिमेंट ऐड कर देंगे। अब फर्स्ट पे हम कर देंगे ऐड स्ट्रॉबेरी, कंट्रोल एस किया, अब अगेन प्रिंट किया, तो ये फर्स्ट पे स्ट्रॉबेरी ऐड हो गई। यहाँ पे हम कमेंट में लिख दें अनशिफ्ट एड्स, और ये रिमूव्स के स्पेलिंग ठीक कर दें, रिमूव्स फर्स्ट एलिमेंट, और ये जो है अनशिफ्ट एड्स फर्स्ट एलिमेंट टू एरे। ओके, ये कुछ मेन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे। नाउ हमने फॉर लूप पढ़ा, जो अगर हम चाहते हैं कि अरे के जो फर्स्ट हम एलिमेंट को ले गए हैं, जस्ट हम अरे के फर्स्ट एलिमेंट को गेट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? अरे के फर्स्ट एलिमेंट को हम गेट कर सकते हैं उसके इंडेक्स से। इंडेक्स क्या है चीज़ है? अब इंडेक्स ये है इंडेक्स ज़ीरो, इंडेक्स ज़ीरो पे एलिमेंट वन है, इंडेक्स वन पे ये जो एलिमेंट टू है। इसलिए जब हमने फॉर लूप पढ़ा था तो तब हमने जो अरे में यूज़ किया था वो हमने ज़ीरो यूज़ किया था। मैंने कहा था कि इसकी हम एक रीज़न है, वो यही रीज़न है कि जब अरे हम यूज़ करते हैं और इसको हमने प्रिंट करवाना होता है वन बाई वन ईच एलिमेंट को, तो वो हम इसके ज़ीरो इंडेक्स से जो है ना इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ये हम अब प्रिंट करवाते हैं, वैसे प्रिंट करवाते हैं ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट प्रिंटिंग। ईच एलिमेंट प्रिंटिंग कैसे होगी? अगेन कंसोल लॉग, कंसोल लॉग से अब करेंगे फ्रूट्स, फ्रूट्स देन अगेन स्क्वेयर ब्रैकेट्स, यहाँ पे हम देंगे इंडेक्स की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स दूंगा तो हमारे पास जस्ट स्ट्रॉबेरी की वैल्यू अब प्रिंट होनी चाहिए। कंट्रोल एस, सॉरी, ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। बट अगर हमने ईच वैल्यू को करना है तो क्या हम अब ज़्यादा कंसोल लॉग लिखना पड़ेगा और वहाँ पे हम ये इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे? नहीं, यही चीज़ जो है ना हम करेंगे ख़त्म। अब यही जो है फॉर लूप हम यूज़ करेंगे, लूप्स इसी के लिए आई थी, और भी काफ़ी रीजन हैं, बट फॉर लूप्स नहीं। चलें जी, अब फॉर लूप से हम करेंगे प्रिंटिंग एरे के ईच एलिमेंट की। हम लिखेंगे फॉर लूप देन अगेन, ये इसकी कर्ली ब्रेसेस, ये बॉडी। इसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फॉर लूप में तीन जो है ना पैरामीटर्स हम देते हैं। फर्स्ट में हम इनिशियलाइज करवाते हैं कि ये लूप स्टार्ट कहाँ से होगी। यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया आई के नाम से, उसको इनिशियलाइज करवा दिया ज़ीरो से सेमी कॉलन, और यहाँ पे हम जो सेकंड आर्गुमेंट है, सेकंड पैरामीटर है, वहाँ पे हम देंगे वैल्यू कंडीशन, कंडीशन देंगे कि ये जो है लूप कहाँ तक चलनी चाहिए। ये लूप तब तक चले कि जब आई लेस देन नहीं हो जाता फ्रूट्स डॉट लेंथ के। ओके, ये फ्रूट्स डॉट लेंथ ये भी हमें अरे ही फंक्शन प्रोवाइड करती है, और ये हमें अरे की लेंथ जो है रिटर्न करवाती है। फ्रूट्स डॉट लेंथ अगेन हमने ऐड कर लिया सेमी कॉलन, और देन हमने कर दिया आई प्लस प्लस। मैं आपको बताता जाऊँ कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये आई प्लस प्लस को इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं था कि यह आई प्लस प्लस का मतलब है कि ये जो आई हमने इनिशियलाइज करवाया हुआ है, इसकी फॉर लूप की एक आइट्रेशन के बाद इसकी वैल्यू को वन प्लस कर दे, इसकी वैल्यू में वन प्लस कर दे। फर्स्ट में ये देखें ज़ीरो है, जब ईच आइट्रेशन रन होगी तो इसकी वैल्यू को वन ऐड, इसकी वैल्यू में वन ऐड कर दे, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी वन। देन अगेन हम करेंगे अब फ्रूट्स अगेन लॉग करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग, अब एल ओ जी लिखेंगे तो ये वी एस कोड में शॉर्ट फॉर्म आ जाती है। इसके लिए मैं अब इसके अंदर जो है फ्रूट्स
ब्रैकेट्स, अब मैं 0 1 हार्ड कोड नहीं लिखूंगा, आई लिखूंगा, आई खुद ही आइट्रेट होगा और अपडेट होगा, और ईच एलिमेंट जो है ना ये आइट्रेट करके हमें कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करवाता जाएगा। और ये देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला तो वैसे आ रहा है, ये आ गया स्ट्रॉबेरी एप्पल कीवी बनाना ईच एलिमेंट। ओके, अगर हमने अब लेंथ एरे की जो है लेंथ मूव करनी हो, तो वो मैंने आपको ऊपर भी फंक्शन बता दी है, फिर भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरे लेंथ, यहाँ पे लिखते हैं गेटिंग एरे लेंथ, वो हम उसके लिए फ्रूट्स डॉट लेंथ का फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पे नोट एरे, और ये 4 एलिमेंट्स की एरे है हमारे पास, ये आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4, और उसने हमें लेंथ भी इसकी बता दी है। एक और फंक्शन भी है फॉर ईच लूप, ठीक है, फॉर ईच लूप से भी जो है फॉर ईच लूप से भी हम अरे को जो है आइट्रेट करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या लिखना है, फ्रूट्स डॉट फॉर ईच एक मेथड है, इसके अंदर हमें एक कॉल बैक फंक्शन मिलता है जो कि हमें ईच एलिमेंट ऑफ अरे प्रोवाइड करता है। तो हम जस्ट सिंपल एक एरो फंक्शन यहाँ बनाएंगे, ये हमने एरो फंक्शन बना दिया, ये एंटर कर दिया। अब ये फंक्शन जो है हमें ईच एलिमेंट प्रोवाइड करता है इसके आर्गुमेंट्स में, इसके पैरामीटर्स में, तो उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं इस अपने केस में फ्रूट रखूंगा क्योंकि ये फ्रूट्स की अरे थी, और ईच एलिमेंट है जो अब हमें मिलेगा वो फ्रूट होगा, तो इसको अब हम लॉक करवा लेते हैं फ्रूट को, कंट्रोल एस, और अगेन रन करेंगे फाइल, ये हमारी लेंथ प्रिंट हो रही है। लेंथ प्रिंट होने के बाद ये फॉर ईच लूप, भी वही सेम फंक्शनैलिटी दे रही है जो फॉर लूप दे रही थी, बट ये है कि आपको डिफरेंट मेथड्स का पता होना चाहिए। ये काफ़ी ये भी यूज़ होता है रिएक्ट में और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। तो इसके बाद जो है वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे मैप और फिल्टर फंक्शन। तो इस वीडियो के लिए बस आपको अरे के लिए जो चीज़ें चाहिए थी मेन, वो मैंने डिलीवर कर दी हैं। फिर अगेन मैं कहता हूँ कि अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में ज़रूर हमें पूछें। और इसके अलावा हम लास्ट पे एक प्रोजेक्ट भी करेंगे, और गिटहब का लिंक भी है जो हम वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा, वहाँ पे ये कोड होगा और वो कोड आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। चलें जी, ओके, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।